हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिफ्थ क्लास में ईबीएस का चैप्टर 8 पढ़ाने जा रही हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ आवर एनिमल रिसोर्सेज। मतलब पशुओं के जो संसाधन होते हैं उनका संरक्षण, पशु संसाधनों का संरक्षण। द मटेरियल प्रोवाइडेड बाई नेचर टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। प्रकृति ने मनुष्य की जरूरतों को पूरी करने के लिए कुछ मटेरियल्स, कुछ ऐसी वस्तुएं प्रकृति ने दी हैं मनुष्यों को, कि उनके मनुष्यों की संतुष्टि के लिए, मनुष्य की जरूरतों के लिए प्रकृति ने कुछ प्राकृतिक चीजें दी हैं, उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। आवर वाइल्ड लाइफ इज अ टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो जंगली जनजीवन है, हमारा जंगली जनजीवन है, वह एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। वाइल्ड लाइफ मतलब इसमें दोनों पौधे और जानवर दोनों शामिल है। द एनिमल वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ वेराइटीज ऑफ बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स ईटीसी। इसके अंतर्गत एनिमल्स वाइल्ड लाइफ, जंगली जनजीवन के अंतर्गत भारत में पक्षी, स्तनधारी जीव और रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप सभी आते हैं। आल्सो कंटेन्स सेवरल इनडेंजर्ड स्पीसीज दैट आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। कुछ ऐसे जीव, इसके अलावा कुछ ऐसे जीव भी शामिल हैं जो विलुप्त हो चुके हैं या कुछ जातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। यूटिलिटी ऑफ एनिमल रिसोर्सेज, तो जो एनिमल के संसाधन है उनका प्रयोग क्या है। बी डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर वेरियस प्रो डक्ट बी नीड्स इन अवर डेली लाइफ। जानवरों से प्राप्त उत्पाद बहुत तरह की चीज़ें हैं जो हम अपने प्रतिदिन के जीवन में प्रयोग करते हैं। सम ऑफ देम आर मेंशन्ड बिलो, और नीचे कुछ बताई गई है। फूड आइटम, भोजन सामग्री में जैसे मिल्क, मीट, एग, फिश ईटीसी। मिल्क, दूध, मीट, मांस, एग, अंडे और फिश, मछली, ये सब हमें जानवरों से प्राप्त होता है। लेदर फ्रॉम एनिमल्स स्किन सच एज काउ, बफेलो, कैमल एंड गोट इज यूज टू मेक शूज, बेल्ट, बैग ईटीसी। लेदर, चमड़ा जो होता है या जानवरों की जो स्किन होती है, जैसे कौन से जानवरों की, गाय, भैंस, कैमल और बकरी, इन सब का प्रयोग जूते बनाने में, बेल्ट बनाने में और बैग्स आदि बनाने में किया जाता है। गारमेंट्स मेड ऑफ सी वूल कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। विंटर सीजन में जो हम वूलन क्लॉथ यूज करते हैं वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं, सीप से मिलती है वूल। डोमेस्टिक एनिमल्स, हमारे पालतू जानवर होते हैं, कैरी लोड्स फॉर पीपल, लोगों के लिए सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे डंकी, एलिफेंट ईटीसी। दे आल्सो हेल्प प्लाउ फील्ड, कुछ जानवर खेतों में हल चलाने के काम में आते हैं या हल जोतने के काम में आते हैं। सम एनिमल्स आर आल्सो यूज एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कुछ जानवरों का प्रयोग यातायात के साधनों के रूप में किया जाता है। पीपल की पेट लाइक कैट, डॉग, पैरेट्स, और कुछ लोग जानवरों को पालते हैं जैसे कौन से जानवर, कैट, डॉग और पैरेट। डॉग गार्ड्स अवर हाउसेज, जो डॉग होता है वह हमारे हाउसेज की सुरक्षा करता है। एनिमल्स एंड बर्ड्स सच एज हॉक, ईगल, लिजार्ड, मोंगूज प्रे ऑन इंसेक्ट। रेट्स एंड स्नेक, एनिमल्स जैसे एनिमल्स और पक्षी जो होते हैं जैसे हॉक, ईगल, लिजार्ड एंड मोंगूज, ये कीड़ों का शिकार करते हैं। रेट्स एंड स्नेक एंड हेल्प कीप पेट्स अंडर कंट्रोल, तो ये
सबके क्या होते रेड्स स्नेक होता है, और जे हेल्प की पेस्ट अंडर कंट्रोल, ये सब नियंत्रण में रखते हैं हमारे वातावरण को। दस दे मेंटेन डाइवर्सिटी एंड बैलेंस नेचर, तो प्रकृति में प्रकृति का संतुलन बना के रखते हैं। कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, स्नेक वेनम ईटीसी आर सम एनिमल्स प्रोडक्ट विच आर यूज इन मेडिसिन। ये देखो ये क्या होता है कॉड लिवर ऑयल, ये भी एनिमल से मिलता है। शार्क एवल लिवर ऑयल, स्नेक वेनम सांप का ये जो विष होता है पॉइजन होता है, ये सब दवाओं के बनाने में या औषधि के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। एनिमल्स पोचिंग, एनिमल्स पोचिंग क्या है, पोचिंग मतलब शिकार करना, अवैध शिकार करना। तो द किलिंग ऑफ एनिमल, जानवरों को मारना, फॉर देयर टीथ स्किन टस्क बोन्स एंड फर इज कॉल्ड पोचिंग। मनुष्य जानवरों को अपने स्वार्थ के लिए, अपने काम के लिए मारता है। कैसे, किस किस उपयोग के लिए, उनके दांतों को, दांतों का यूज करने के लिए, किसी की स्किन यूज करने के लिए, टस्क, टस्क ये हाथी दांत होते हैं जो हाथी के बाहर निकले हुए दांत होते हैं, बोन्स कुछ हड्डियों के लिए, और कुछ जानवरों को फर के लिए मारा जाता है, उनके शिकार की जाती है। पोचर्स किल एनिमल्स एंड सेल द बॉडी पार्ट्स लाइक स्किन बोन टस्क फर ईटीसी। जो पोचर्स होते हैं, शिकार करने वाले लोग होते हैं, वो जानवरों को मारते हैं और उनके शरीर के अंगों को या शरीर के कुछ भागों को क्या करते हैं, बेचते हैं, जैसे स्किन बोन टस्क हाथी दांत फर इन सबको बेचते हैं फॉर मनी, पैसे के लिए। इट इज एन अनलॉफुल एंड पनिशेबल एक्ट। तो यह क्या है, अनलॉफुल मतलब नियम के विरुद्ध है और दंडनीय अपराध है। पोचिंग इज नाउ बैंड इन अवर कंट्री। तो जानवरों का शिकार करने के ऊपर अब हमारे सरकार ने या हमारे देश ने, हमारे देश में अब यह बंद हो गया है या उस पर रोक लगा दी गई है। एनिमल्स और किल्ड फॉर देयर, ये एनिमल्स के नाम दिए गए और इनको किस पर्पज के लिए मारा जाता है। जैसे एलिफेंट होता है टस्क टू मेक आइवरी गुड्स, ये इसके टस्क होते हैं जो हाथी के दांत होते हैं और उससे कुछ सजावट के या कुछ उपयोगी आइटम बनाए जाते हैं। राइनोसरोस जो होता है हॉर्न, उसको सींग के लिए, हॉर्न्स के लिए मारे जाते हैं टू मेक ऑर्नामेंटल डैगर, ये कुछ आभूषण बनाए जाते हैं, हैंडल्स बनाए जाते हैं एंड मेडिसिन बनाई जाती हैं इससे। चीरू जो होता है हेयर टू मेक आ स्पेशल टाइप ऑफ शॉल कॉल्ड सेहतोस, तो ये इससे स्पेशल टाइप के शॉल बनाए जाते हैं। मस्क डियर होता है हेरी ग्लैंड कॉल्ड मस्क टू मेक परफ्यूम्स, और इससे परफ्यूम या इत्र बनाए जाते हैं। टाइगर, टाइगर होता है स्किन फॉर डेकोरेटिव आइटम, बोन्स एंड टीथ टू मेक मेडिसिन। तो टाइगर के दांतों से, इसकी स्किन से कुछ डेकोरेटिव आइटम बनाए जाते हैं, हड्डियों से, और दांतों का प्रयोग मेडिसिन के रूप में होता है। हंटिंग एनिमल्स नाउ एंड देन, जानवरों का शिकार करना। इन अर्लियर टाइम, प्राचीन समय में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री वर रूल्ड बाई किंग, हमारे देश के विभिन्न भागों में राजाओं के द्वारा शासन किया जाता था। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स सच एज टाइगर एंड बोर एज आ स्पोर्ट्स। तो हंटिंग जानवर, दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, वो क्या करते थे, टाइगर का बोर का शिकार करते थे खेल के रूप में। देश बाज देयर वे ऑफ शोइंग ब्रेवरी, इससे उनकी बहादुरी का पता चलता था। दे द किंग वुड गो हंटिंग एकम्पनीड बाई देयर फ्रेंड्स एंड मिनिस्टर, वो अपने मित्रों को लेकर
और अपने मंत्रियों को लेकर शिकार करने जाते थे। व्हेन इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल, जब भारत स्वतंत्र हो गया अंग्रेजों के शासन से, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंड किलिंग ऑफ ऑल एनिमल्स, तो हमारे देश में जानवरों के मारने पर बैन लगा दिया गया, स्पेशली टाइगर, और मुख्य रूप से टाइगर के, चीते के मारने पर। सिंह बैट का इन मध्य प्रदेश, इंडिया हैज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ पेंटिंग मेड बाई अर्ली मैन ऑन रॉक्स विच डिपिक्टेड दैट अर्ली मैन प्रैक्टिस्ड एनिमल हंटिंग। तो क्या हुआ, कलेक्टिंग ऑफ पेंटिंग, ये भीम बाटका जो थी मध्य प्रदेश में, भीम बाटका इन मध्य प्रदेश, इंडिया हैज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ पेंटिंग, इधर पर बहुत सारी पेंटिंग का कलेक्शन था जो कि प्राचीन समय की लोगों के द्वारा बनाई गई थी। उसमें क्या क्या था, मैन ऑन रॉक्स, चट्टानों के ऊपर आदमियों के चित्र बने हुए थे, विच डिपिक्टेड, जो कि दिखाते थे द अर्ली मैन प्रैक्टिस्ड एनिमल हंटिंग, तो जो प्राचीन समय के लोग थे वो जानवरों का शिकार करते थे। द केव वॉल्स शो मैनी हंटिंग सीन, उसमें जो गुफाओं की जो दीवारें थी उस पर शिकार करने के चित्र बने हुए थे, वीपन्स औजार बने हुए थे, यूज एट दैट टाइम, जो उस समय पर प्रयोग किए जाते थे। द केव वॉल्स हैव ह्यूज फिगर ऑफ एनिमल्स, के गुफा की दीवारों पर बड़े बड़े जानवरों के चित्र बने हुए थे, सच एज बिसंस बियर टाइगर एंड राइनोसिरोस इन ग्रीन एंड डार्क रेड कलर, हरे रंग के और लाल रंग के रंगों से बने हुए थे। द केव्स वर डिस्कवर्ड इन 1958, इन गुफाओं की खोज 1998 में हुई, किसके द्वारा, बाई डॉक्टर बेकेनकर के द्वारा इनकी खोज की गई। इंडेंजर्ड एनिमल, इंडेंजर्ड एनिमल क्या है, जिन जानवरों को खतरा है या वो उनकी जाति विलुप्त होने की स्थिति पर है। इंडेंजर्ड एनिमल आर एनिमल एट द वर्ग ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन, कुछ जानवरों की प्रजाति लुप्त होने की स्थिति पर हैं, वो इंडेंजर्ड एनिमल कहलाते हैं और उसके कई कारण हैं। द रीजन मे वेरी फ्रॉम इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस टू प्रीडेशन पोर्चिंग और स्पोर्ट्स, तो जानवरों का जानवरों के द्वारा आक्रमण करना, एक दूसरे जानवरों के द्वारा आक्रमण कर देते हैं, पोचिंग मनुष्यों के द्वारा शिकार किया जाता है और खेल के लिए उनको मारा जाता है। पोचिंग हैज लीड टू द एक्सटेंक्शन ऑफ मैनी एनिमल्स, इससे कुछ जातियां मनुष्य जानवरों की कुछ जातियां विलुप्त हो गई हैं, एलिफेंट टाइगर पेंडा लॉयन राइनोसरोस ब्लॉक ब्लैक बियर मस्क डियर एंड वाइट हैंडेड ईगल आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल। तो ये इतने तरह के जो जानवर बताए गए हैं इसमें, इनकी क्या है, इनकी जाति के विलुप्त होने का खतरा है, डर है, क्योंकि ये धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती चली जा रही है, इसलिए इनको इंडेंजर्ड एनिमल कहा गया है। द इंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया हैव बीन आइडेंटिफाइड बाई डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा कुछ प्रजातियों की पहचान की गई है जो कि विलुप्त होने की स्टेज पर हैं, लाइक द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जैसे ये उनके संगठनों के नाम हैं या ऑर्गेनाइजेशन के नाम हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको शॉर्ट में IUCN भी कहते हैं, एंड द विल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको
WII कहते हैं। ये इन ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए गए हैं जो कि जंगली जानवरों के लिए कुछ काम करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए। प्रोटेक्शन ऑन विल्ड लाइफ, जंगली जीवन की सुरक्षा करना, विल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एम्फेसिस प्रोटेक्शन ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंतर्गत दोनों ही मतलब पौधे और एनिमल्स दोनों ही आते हैं, एंड देयर एनवायरनमेंट और उनका पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। द गोल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इज टू इंश्योर दैट नेचर विल बी सेफ एंड प्लीजेंट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो प्रकृति है वह सुरक्षित रहे और आगे आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा वातावरण बना रहे। वी कैन प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इन द फॉलोइंग पेज, किस तरीके से हम जंगली जनजीवन की सुरक्षा कर सकते हैं। बाय प्रिजर्विंग नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स, जिस आवास में जंगली जीव रहते हैं उस आवास को सुरक्षित रखना, इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल नेशनल पार्क जैसे राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं और वन उद्यान बनाए जाते हैं, उसमें जंगली जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है। टू इंक्रीज देयर नंबर्स, उनकी संख्या बढ़ाना। एनिमल्स आर ब्रीडेड इन जूज इन कंट्रोल्ड कंडीशन, और जू में चिड़ियाघरों में इनको ब्रीडिंग की जाती है प्रजनन के द्वारा, इनको नियंत्रित स्थिति में नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ाए जाते हैं। एंड हंटिंग एंड पोर्चिंग एक्टिविटीज शुड बी स्ट्रिक्टली बैंड, तो इनका किसी तरह का शिकार करना और शिकार करने जैसी एक्टिविटीज पर, क्रियाकलापों पर बैन लगाना, रोक लगाना। डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स का घरों में पालना, डोमेस्टिकेशन कैसे, ये क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बिगेन व्हेन अ स्मॉल नंबर ऑफ एनिमल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द वाइल्ड स्पीसीज एंड आर हैबिचुएटेड टू ह्यूमंस। तो कुछ छोटी सी संख्या में जंगली जानवरों को अलग करके घर में रखा गया जंगल से दूर, और घरों में उनका आवास बनाया गया मनुष्यों के द्वारा। इफ दीज एनिमल्स ब्रीड, यदि इन जानवरों में ब्रीड होता है, प्रजनन होता है, दे फॉर्म अ फाउंडर ग्रुप विच इज चेंज्ड ओवर सक्सेसिव जनरेशन बाई सोशल इकोनॉमिक कल्चरल एंड इथिकल मींस। तो इस तरह से उनमें कुछ परिवर्तन आएंगे और सोशल रूप से, इकोनॉमिक रूप से या कल्चरल रूप से वो क्या होंगे, उनकी प्रजातियों में भी थोड़ा सा कुछ परिवर्तन आएगा और अच्छी प्रजाति उत्पन्न होंगी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन, इस प्रक्रिया के दौरान द टेम्ड एनिमल ग्रेजुअली बिकम अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, तो वो धीरे धीरे क्रम से जो पालतू जानवर हैं वह समाज का एक हिस्सा बन जाएंगे, ह्यूमन सोसाइटी का। दीज एनिमल्स लूज ऑल कंटेक्ट विथ देयर वाइल्ड एनिमल्स स्पीसीज, और जंगली जानवरों से उनकी प्रजातियां क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, उनका कनेक्शन भी खत्म हो जाएगा। कम्युनिटीज विच डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर लिवलीहुड, कुछ ऐसी प्रजातियां या ऐसे समुदाय जो कि एनिमल्स से प्राप्त उत्पादों पर अपना जीवन यापन करते हैं।
यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सम ह्यूमन कम्युनिटीज डिपेंड ऑन एनिमल्स टू अर्न देयर लिवलीहुड। कुछ हम या आप ऐसा पाते हैं कि कुछ प्रजातियां या कुछ समुदाय के लोग जंगली जानवरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। उदाहरण के तौर पर सच एनिमल्स जैसे काऊ, बफेलो, ऑक्स, डॉग, कैमल, ईटीसी, ये इस तरह के कुछ जानवर हैं। एनिमल्स चार्मर्स, एनिमल्स चार्मर्स कौन होते हैं? चार्मर्स मीन्स कुछ जादू या तमाशे दिखाने वाले लोग। एनिमल्स चार्मर ट्रेन एनिमल्स टू परफॉर्म फन एक्टिविटीज फॉर स्ट्रीट इंटरटेनमेंट। तो जो एनिमल्स चार्मर होते हैं वो अपने जानवरों को ट्रेंड करके कुछ ऐसी एक्टिविटीज उनको सिखा लेते हैं जो कि सड़कों पर गलियों में जाके दूसरे लोगों का मनोरंजन करते हैं। एनिमल लाइक बियर, मंकीज, स्नेक, आउल्स, पिजन एंड अदर बर्ड्स आर ट्रेंड बाई सच एक्टिविटीज। तो इस एक्टिविटीज के लिए कौन कौन से जानवरों को? भालू को, बंदर को, स्नेक को, आउल को, पिजन को, और कुछ दूसरे पक्षी भी होते हैं उनको चार्मर्स होते हैं वह सिखा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर स्नेक चार्मर ट्रेंड स्नेक टू डांस टू देयर ट्विन। वो अपनी ट्विन के ऊपर उनको डांस करवाते हैं। मदारीज कीप अ पेयर मंकीज एंड परफॉर्म स्टिक। तो मदारी जो होते हैं वह इसको क्या करते हैं, एक लकड़ी से बंदर को नचाते हैं। दे ट्रेंड मंकीज टू डांस एंड परफॉर्म अदर एक्टिविटीज। डांस करना और कुछ दूसरी अदर एक्टिविटीज के लिए ट्रेंड कर लेते हैं ऑन देयर मास्टर से कमांड, अपने कमांड से, अपने नियंत्रण से। ऑल दीज फन एक्टिविटीज आर ए फॉर्म ऑफ एंजॉयमेंट फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट। तो इस तरह की एक्टिविटीज से बच्चे और वृद्ध सभी लोग, एडल्ट लोग भी उसका आनंद लेते हैं। द गूजर्स आर ट्राइब्स हु लिव इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। जो गुजर्स लोग होते हैं इनकी प्रजाति होती है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न में मतलब उत्तर पश्चिमी और सेंट्रल भारत, मध्य भारत में रहते हैं। दे रियर कैटल, वो जानवरों को पालते हैं। दे मूव विथ देयर हर्ड ऑफ कैटल इन सर्च ऑफ पेस्चर। और वो एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों के झुंड के साथ उस जगह का जहाँ पर उनको घास मिलती है फील्ड में, उसकी खोज में चले जाते हैं। दे लुक आफ्टर देयर कैटल एंड सेल मिल्क टू अर्न देयर लिवलीहुड। तो अपने जानवरों को पालते हैं और उसके दूध को बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। क्रुअल्टी टू वार्ड्स एनिमल, निर्दयता, जानवरों के प्रति निर्दयता की भावना। स्नेक चार्मर्स सांप का तमाशा दिखाने वाले, आल्सो सो फाइट्स बिटवीन ए स्नेक एंड अ मोंगली। जो सांप का तमाशा दिखाने वाले लोग होते हैं वो सांप और नेवले की फाइट, लड़ाई को दिखाते हैं। द स्नेक ब्लीड्स प्रोफ्यूजली बट पीपुल क्लैप एवरी टाइम फॉर टाइम द मोंगूज बाइट्स द स्नेक। तो देखिए इस तरह ये इधर दिखा रही है नेवले और सांप की लड़ाई दिखा रही। तो ऐसा तमाशा दिखाते दिखाते नेवला कई बार सांप को काटता है और उससे बहुत सारा ब्लड निकलता रहता है, पर लोग उसको देखकर तालियां बजाते रहते हैं और खुश होते हैं। इन सर्कस, सर्कस में सम एनिमल्स आर केप्ट इन स्मॉल केज और चेन। उनको कुछ जानवरों में बांधकर या पिंजरों में बंद करके रखा जाता है। दे आर इवन बीटन मर्सीलेसली एंड मेड टू परफॉर्म डेंजरस एक्ट। तो उनको निर्दयता से पीटा जाता है और वो कुछ खतरनाक खेल या एक्ट करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स
बट आर नॉट क्रूअल टू देम। कुछ एनिमल्स जो जानवरों के ऊपर डिपेंड होते हैं पर उनके साथ क्रूअल नहीं होते, निर्दयी नहीं होते। अकॉर्डिंग टू द एनिमल्स वेलफेयर एसोसिएशन देयर इज नथिंग इनहेरेंटली रॉन्ग इन यूजिंग एनिमल फॉर ह्यूमन पर्पज। तो कुछ वेलफेयर के द्वारा एनिमल वेलफेयर सोसाइटीज होती हैं उनके अनुसार जानवरों का प्रयोग करना ये किसी तरह से मनुष्यों के लिए या अपनी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए गलत नहीं है। सच है जैसे भोजन के रूप में, क्लॉथिंग के रूप में, इंटरटेनमेंट के रूप में एंड रिसर्च के रूप में। बट लेकिन इट शुड बी डन इन ह्यूमन वे दैट मिनिमाइज अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग। तो लेकिन मनुष्यों को इनका प्रयोग इस तरीके से करना चाहिए कि जानवरों को कम से कम नुकसान पहुंचे और अनावश्यक कष्ट ना हो, उनको किसी तरह की पीड़ा ना पहुंचे। पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स, जो लोग जानवरों पर डिपेंड रहते हैं, बट आर नॉट नेसेसरी क्रूअल टू देम आर सो इन पिक्चर। तो इस तरह से जैसे पिक्चर में दिखाया गया है कि ये व्यक्ति है, ये महावत है, एलिफेंट पर जा रहा है, ये गलत नहीं है। इस तरह से ये जो हैं ऑक्स हैं, इनका यूज फील्ड में किया जा रहा है, और ये इधर क्या है, ये शेफर्ड है जो कि अपनी शीप से क्या कर रहा है, वूल को निकाल रहा है। ये महावत लुक आफ्टर पेट एनिमल्स, अपने पेट एनिमल्स होता है उसकी देख सुरक्षा करते हैं। दे लुक, दे लव देयर एलिफेंट वेरी मच, दे विजिट टूरिस्ट स्पॉट विथ द एलिफेंट एंड ऑफर राइड्स टू टूरिस्ट। दे आर इवन कॉल्ड ड्यूरिंग वेडिंग और बर्थडे पार्टी। तो जो महावत होता है वह अपने एलिफेंट को लेकर टूरिस्ट प्लेस पर जाता है और जो पर्यटक लोग होते हैं उनको एलिफेंट के ऊपर राइड करने के लिए वो ऑफर करते हैं। शादी और बर्थडे पार्टियों में भी एलिफेंट या महावत को बुलाया जाता है। महावत टेक गुड केयर ऑफ देयर एलिफेंट, अपने एलिफेंट की बहुत केयर करते हैं। गिव द एलिफेंट प्रॉपर फूड एंड रेस्ट, उनको पर्याप्त आराम देते हैं और भोजन देते हैं। कीपिंग इट्स प्लेस क्लीन, उनके रहने की जगह साफ रखते हैं। नेवर कीप देम इन चेन, उनको कभी बांध कर नहीं रखते। बाथ देम रेगुलरली, प्रतिदिन नहवाते हैं। टेक देम टू वेटरनरी डॉक्टर फॉर चेकअप, डॉक्टर के पास भी चेकअप करने के लिए ले जाते हैं। एनिमल्स आर अवर फ्रेंड, वी डिपेंड ऑन देम फॉर मैनी थिंग्स, वी शुड नॉट क्रूअल टू देम। तो जानवर हमारे मित्र होते हैं, हम बहुत तरीके से जानवरों की वस्तुओं के ऊपर डिपेंड होते हैं जो उनसे प्राप्त होती हैं, तो हमें उनको कभी किसी तरह क्रूअल्टी की भावना नहीं रखना चाहिए, हमेशा उनकी सुरक्षा करना चाहिए।